हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल हैं आप सभी के? आशा करता हूँ सब सारे बढ़िया होंगे, सबके घर वाले बढ़िया होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है कि आज हम बात करेंगे नेक्सॉन के फेसलिफ्ट के बारे में और हैरियर के फेसलिफ्ट के बारे में। हैरियर सफारी एक ही बात है, हैरियर का कुछ ऐसा सीन है। हैरियर में भी कुछ नए नए अपडेट्स आए हैं, उनकी स्क्रीन अच्छी कर दी है नेक्सॉन हैरियर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैगी थी, और एक दो फीचर्स कुछ नए ऐड कर दिए जिससे कि XUV700 और स्कॉर्पियो N को कॉम्पिटिशन दिया जाए। उनके जो जो अभी स्पाई शॉट्स आए हैं, जो भी अभी अपडेट आया है या जो भी हमें लीक्स मिले हैं कहीं ना कहीं से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, उनको देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ये ऐसा कुछ आने वाला है, और फिर अपने व्यूज़ बताएंगे कि क्या अच्छी लगी या नहीं लगी, वो आगे वीडियो में बनाए रखेंगे इस बात को। आपको आसानी से देखने को ये मिल रहा होगा कि सबसे पहले तो नेक्सॉन आती है, और इसके अगर आगे की बात करें तो भाई इसमें जैसे पहले नेक्सॉन की एक अलग सी फ्लेयर सी लाइट्स आती थी, अब इसमें भी टाटा हैरियर जैसा या पंच जैसा जो इनका एक टाटा का एक सिग्नेचर फ्रंट फेशिया है, उस हिसाब से अब नेक्सॉन में भी नज़र आने लगेगा, क्योंकि DRL जैसे सिक्वेंशियल नहीं DRL जैसे वाले, और फिर नीचे ग्रिल और नीचे लाइट्स बम्पर में लाइट्स वाला जो वो है वैसा ही अब आपको नेक्सॉन में भी यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। और अगर आप इसका बम्पर देखें तो भाई बम्पर में और जो रेडिएटर फ़ैन के आगे जो ग्रिल्स हैं वो भी चेंजेस हो रखी हैं, और फ्रंट फेशिया में थोड़ी सी और ज़्यादा मस्कुलर लग रही है, हालांकि नेक्सॉन पहले भी काफ़ी मस्कुलर थी गाड़ी। साइड का जो इसका वो है ना बैक से नहीं, उसका साइड बॉडी है ना, वो जो पिछले 3 जनरेशन से चलती आ रही है वैसी ही बरकरार रहेगी। और इसके अलॉय व्हील्स को देख सकते हैं, अलॉय व्हील्स थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। भाई सबसे पहला शॉट जो आ रहा है ये है भाई मोटर ऑक्टेन की तरफ से ये शॉट्स आए हैं, ठीक है। जो सबसे पहला हमें शॉट दिख रहा है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। पहले भी आता था, या पहले शायद एक नीचे 3-स्पोक आता था, अब 2-स्पोक हो गया। और जो इसके कंट्रोल्स हैं वो सब में भी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी कर दी है कंट्रोल्स की। और जो इसका मेन पॉइंट जो भी दिख रहा है वो भाई, अगर आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर नज़र मारें तो भाई जैसा वर्टस में हमें अपने को दिखता है ना, या ये फुल्ली डिजिटल, तो पहले अब बीच में इसका चेंज होकर जो नेक्सॉन का या टियागो का इन सब का आया था वो कितना बेकार लगता था या लगता है वो हम सबको ही पता है, लेकिन अब जो ये आएगा ना ये बिल्कुल बढ़िया एकदम फुल डिजिटल, सारे लाइटिंग सिस्टम के साथ अलग अलग लाइट चेंजेस होते रहेंगे उसके अंदर इंफोटेनमेंट के अंदर, और भी फीचर्स न्यूट्रल सब बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाएगा एकदम रेड एलिमेंट्स के साथ, जिससे कि स्पोर्टी लुक लगेगी गाड़ी की। और टच स्क्रीन देखें तो टच स्क्रीन कितनी बड़ी हो गई है पहले से, मेरे को ये 10 की तो नहीं 8-9 इंचेस की तो लग रही है ये। बाकी इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स तो सेम है, और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील हो गया, मिरर्स मेरे को लगा थोड़े बड़े कर दिए, और पिलर पर स्पीकर दे दिया जो कि मेरे ख्याल से नहीं आता था टॉप मॉडल में। जो अपना ब्लाइंड स्पॉट कम करने के लिए जो पिलर पर ग्लास आता था ना, उस ग्लास की साइड में ही दे रखा होता था, लेकिन अब आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे पिलर पे ही एक अलग सा स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर ट्विटर दे रखा है। और हाँ, व्हीकल इन्फो, डोर्स खुलने के, टायर प्रेशर भी इसमें दिखाने लग गया है, इसके नया जो इन्फोटेनमेंट आएगा उसमें, और ऐसा सा कुछ जो आपका ट्रांसमिशन का जो वो है गियर टाइप सा जो आता है वो अब आपका एकदम जेट स्टाइल वाला, जैसा सफारी में आता था, जैसा हैरियर में आता था, वैसा सही अब नेक्सॉन में भी आपको देखने को मिलेगा। और बाकी वो स्पोर्ट्स मोड और उसके कंट्रोल्स तो सेम ही है जो इनके नॉब आती थी। कुछ नया सा आया है यार हट के नेक्सॉन में। और रियर प्रोफाइल में यार मेरे ख्याल से बम्पर में कुछ चेंजेस है, एजेस जो है ना बम्पर की नीचे की साइड में, उनमें मेरे को थोड़े से कर्व्स इसमें से दिख रहे हैं, क्या पता कोई चेंजेस हों। और लाइट्स तो जो जो रियर लैम्प्स हैं, टेल लैम्प्स हैं, वो तो मुझे सेम से ही लग रहे हैं, बाकी भाई ये पर्दा हटेगा तो नज़ारा दिखेगा। शार्क फिन एंटीना शायद पहले आता था, अगर नहीं आता तो भाई इसमें शार्क फिन एंटीना भी आ गया है। बाकी अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, अच्छा लग रहा है। अलॉय व्हील्स पर भी इन्होंने वो कैमोफ्लाज कर रखा है जो इंटीरियर जो अपना अपहोल्स्ट्री है, जो सीट कवर्स है वो कैसे दे रखे हैं, एकदम ब्लू कलर के दे रखे हैं यार। ये कलर ना बिल्कुल अलग सा है आजकल किसी गाड़ी में, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते थे रोल्स रॉयस में,
मतलब रोल्स रॉयस में ऐसे अलग अलग से कलर देखने को मिलते थे, ये कलर मैं पहली बार किसी गाड़ी के अपहोल्स्ट्री में देख रहा हूँ। और वाइपर अगर आप देखेंगे, वाइपर भाई ऊपर से आपका रूफ जो स्पॉयलर है ना उसके अंदर से वाइपर निकल के आएगा आपका। बाकी यार इसकी रोड प्रेजेंस तो अच्छी थी ही नेक्सॉन की शुरू से, अब देखो कोई नया कलर आएगा या क्या आएगा। अगर इन्होंने ऐसे ब्लू कलर के अपहोल्स्ट्री दी है, मेरे ख्याल से कलर भी थोड़ा सा कोई ऐसा ही निकालेंगे। ब्लू कलर इनका पहले भी आता है, डार्क ब्लू भी आता है एक, वो भी अच्छा दिखता है, क्या पता उसमें ऐसे से इंटीरियर दें। और जैसे वो DCA वाला मॉडल था तो उसमें वो जेट टाइप से वो दे रखे थे ट्रांसमिशन के कंट्रोल्स। अब इस वाले मॉडल में हमें ये गियर नॉब ऐसी दिख रही है, ये गियर नॉब ही है शायद, ये मैनुअल वाला वेरियंट है, तो इसकी गियर नॉब आप देख सकते हैं इस फोटो में। फिर देखिए स्टेयरिंग पर मेरे को लग रहा है यार अगर इस पर टाटा का लोगो ना आया और ऐसा ही छोड़ दिया तो भाई मेरे ख्याल से इसमें कुछ धमाकेदार कुछ नया एक बहुत तगड़ा फीचर आने वाला है नेक्सॉन में और आगे आने वाली हैरियर में। स्टेयरिंग में ही मेरे को लग रहा है कि एक छोटी सी स्क्रीन सी दे दी है इसको, मैं पिछली वीडियो से ही देखता हूँ एक बारी, उसमें स्क्रीन बिल्कुल अच्छे से दिख रही थी। अगर स्क्रीन दे दी तो भाई ये बहुत अच्छा एक होने वाला है मार्केट में, कुछ नया सा होने वाला है, क्योंकि अभी तक किसी स्टेयरिंग में वो नहीं आई है, स्क्रीन नहीं आई है किसी की उसमें भी। कॉन्सेप्ट कार की बात करें तो भाई वो अलग है यार, यार स्क्रीन सी ही लग रही है मेरे को, क्योंकि इसमें प्लास्टिक की थैली भी ऐसी सी लगी है। बाकी अब देखो क्या आता है क्या नहीं अपडेट आता। बाकी अब हैरियर की एक बार बात करें तो फ्रंट फेशिया तो हैरियर और उसका नेक्सॉन का सेम सा ही लग रहा है। हैरियर में भी बम्पर में थोड़े से अपडेट, बम्पर थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ ज़्यादा कर दिया, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा कर दिया दिख रहा है ऐसा फ़ोटोज़ में। बाकी इंटीरियर तो सफारी का ऐसा आता था ही या हैरियर का ऐसा आता था ही, टैन कलर का आया है शायद पहले भी था, मेरे को इतना आइडिया नहीं। बाकी इंफोटेनमेंट की जो इंफोटेनमेंट कह रहा हूँ, जो टच स्क्रीन है म्यूज़िक सिस्टम की जो स्क्रीन है वो देखे तो भाई वो उसका साइज़ बहुत बड़ा कर दिया है। और आशा करते हैं कि भाई अब पहले से इसके कंट्रोल्स अच्छे हो जाएं, क्योंकि लैग बहुत करता था और सही से काम नहीं करता था और फीचर्स थोड़े कम थे, अब क्या पता अच्छा हो जाए। हाँ वो वही बटन जैसे एरोप्लेन टाइप सा बटन जो है वो दे रखा है स्पेसक्राफ्ट जैसा। रियर भी सेम ही है, हैरियर का तो बिल्कुल ही सेम लग रहा है मेरे को पहले जैसे ही। बाकी डिफ्यूज़र्स थोड़े से अलग से लग रहे हैं मेरे को अगर नीचे की तरफ देखें तो आप, हैरियर में भी यार नीचे जो लाइट के ऊपर जो होता था ना वाइपर वहीं दे रखा है, नेक्सॉन की तरह नहीं दे रखा जो स्पॉयलर से निकल के आएगा, ये नेक्सॉन की एक ख़ास बात होने वाली है। बाकी देखो मैं अपने व्यूज़ दो तो मेरे को तो अच्छी लग रही है सफारी, हैरियर इतनी नहीं लग रही मुझे कि कुछ अलग सा आने वाला है इसमें। और मेरे को पर्सनली हैरियर की इतनी लोग पसंद भी नहीं है जितनी स्कॉर्पियो या XUV700 की है। नेक्सॉन की लुक्स मेरे को हमेशा से अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है और नई आने वाली है उसमें भी अच्छी लगेंगी ही, मेरे को पक्का यकीन है नेक्सॉन से। तो बाकी इसके इंटीरियर देख के तो यार मेरे को थोड़ा मतलब उस कलर जो है ना इन्होंने अपहोल्स्ट्री जिस कलर की दी है मेरे को बढ़िया सा लग रहा है यार कि कैसा सा होगा ये रियल लाइफ में देखने में। और अब और पीछे का थोड़ा सा भी टेल लाइट्स भी नेक्सॉन की मेरे को लग रहा है कुछ अलग सी आएंगी, बाकी देखते हैं फेसलिफ्ट जब आएगा तब का तब पता लगेगा, जब लॉन्च होएगा तब पता लगेगा। अब जो जो अपडेट्स आते हैं इसके बारे में कुछ लीक्स होते हैं जिसमें ये कैमोफ्लेज ना लगा हो तो भी हम देखेंगे, जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी अपडेट्स आएंगे मैं तब वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा। बाकी आप बताइए आपने जितना भी अभी तक देखा इस वीडियो में क्या क्या आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी नेक्सॉन हैरियर से, और क्या आपको लगता है कि बढ़िया होने वाली है जो फेसलिफ्ट आने वाला वो या नहीं। मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया होने वाला है टाटा की तरफ से, बाकी भाई किस्मत की बात है या वक्त की बात है, जो चीज़ नहीं आएगी एक्सेप्ट तो हमें एट द एंड करनी ही पड़ेगी चाहे अच्छी लगे ना लगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी ने और नई वीडियो में।